दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का और आज हम जा रहे हैं हमारे खेत में जो कि वहाँ पे फसल काटती गई है उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए। तो ये हमारा इधर चरागाह है, इधर से हम गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पगडंडी है, यहाँ से जा रहे हैं हम, गाड़ी से गुजर रहे हैं। बाइक है हमारे पास और सिस्टर है, ब्रदर है मेरे साथ और हम चारों लोग जा रहे हैं। तो बने रहिए आप व्लॉग पे, आगे मिलते हैं आपसे। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं हमारे खेत पर और ये करीब हमारे घर से 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जो यहाँ पे हमारा ये खेत है। इसके अंदर हम ये फसल को काट ली गई है, ये तारा मीरा बोलते हैं इसको राजस्थानी भाषा में। ये देखो आप, ये इस तरह का होता है। अब इसको हम एकत्रित करेंगे, फिर एकत्रित करने के बाद इसको मशीन से निकलवाते हैं। ये देखो इस तरह का है, ये राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और हर एक किसान, ये कम पानी में पैदावार अच्छी हो जाती है इसकी। और ये देखो ये कंटीले के पेड़ है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। और ये है बेर का पेड़ जो इसके बोर आते हैं अच्छे अच्छे अभी छोटा अभी आए नहीं शायद इसके। दोस्तों ये पीपल का पेड़ है जो हमारे खेत के अंदर ही है, ये देख सकते हो आप। इसको कितना वर्ष पुराना आप कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से 50 वर्ष के आसपास पुराना है। इसकी एज ओल्ड हो गई शायद 50 वर्ष के आसपास, आप कमेंट करके बताना कितना पुराना हो सकता है ये पेड़। पीपल का पेड़ है ये। गाइज ये है बबूल का पेड़ जो राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे खेत में भी है। बहुत क्यूट पेड़ है ये, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को, इसलिए इसका भी वीडियो बना लिया मैंने। ये देख सकते हो आप कितना सुंदर पौधा है। दोस्तों ये देख सकते हो, ये मेरे 2 सिस्टर है और एक ब्रदर है मेरे से छोटा जो कि सबसे छोटा भाई है। और ये तीनों लोग इधर भर रहे हैं इस चीज़ों को, ये फसल काट दी गई है इसको भर रहे हैं और यहाँ पे हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं इनको, देख सकते हो आप इस तरह से। ये है हमारा यंगर ब्रदर जो कि सिर पर ये बोझा रख के इसको ला रहा है और यहाँ पे एकत्रित करने के लिए यहाँ पे डाल रहा है इसको। ये देख सकते हो आप, बहुत मेहनती है ये लड़का, ये भाई है मेरा सबसे छोटा। और ये है मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो कि काफ़ी नटखट है, ये काम करने में भी सबसे आगे रहती है, बहुत मेहनत करती है ये भी। हेलो दोस्तों, ये है हमारा खेत और इधर देख सकते हो तीनों लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वजह से नहीं कर रहा। मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, मैं भी काम करूंगा, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं करूंगा, मैं भी काम करूंगा। और ये देखो इस तरह से भरते हैं इसको, ये तारा मीरा बोलते हैं राजस्थानी में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा करते हैं इसको। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ और ये देख सकते हो आप, ये मैं भर रहा हूँ और यहाँ से लाला के इसको एक जगह भरने के लिए एकत्रित करना पड़ता है, फिर इसको इकट्ठा करके ये बरोटा बोलते हैं इसको राजस्थानी भाषा में, फिर बरोटा बांध के फिर एक जगह लाण बोलते हैं ना, वहाँ पे लाण में एक जगह इकट्ठा करते हैं कुछ इस तरह से भर के लाते हैं इसको और फिर इसको बांध के लेके जाते हैं सिर पर रख के। दोस्तों ये बिना पानी की फसल है जो बहुत ज़्यादा हो गई इस तरह, पहले पानी नहीं देना पड़ता था इनके अंदर, ये सिर्फ
बारिश पर निर्भर कर होती है। बारिश हो जाती है तो हो जाती है, और नहीं तो ऐसे ही सूख के रह जाती है। तो इस बार काफ़ी एक दो बार बारिश हो गई थी, माउंट हो गई थी, इस वजह से अच्छी फसल पैदा हुई है। लो दोस्तों, मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और यहाँ जाके इकट्ठा कर देंगे। दोस्तों ये भरोटा बांध रहे हैं, और इसको बांधने के बाद मेरी सिस्टर के सिर पर रखेंगे, और फिर इसको लेके जाएगी ये। एक जगह लाड़ भेड़ा कर रहे हैं वहाँ पर, देखो इसको मैंने ऊंचा दिया है और सिर पर रख के ये लेके जा रही है। दोस्तों फिलहाल सनसेट होने को जा रहा है, और हमारा ये काम अधूरा रह गया थोड़ा सा, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया। आज नाइट हो चुकी है, अब देख सकते हो शाम ढल चुकी है, अब हम घर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर कोई भी आपका सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताएं, और जो भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास कमेंट करके बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।